माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने फोन करके परिवार वालों से बात किया है और मंगेश को न्याय दिलाने के लिए वो परिवार वालों के साथ हरदम खड़े रहेंगे। क्या बात हुई और किससे बात हुई? उनकी माँ से भी बात हुई, बहन से भी बात हुई और परिवार और सदस्यों से भी बात हुई। उन्होंने यही कहा कि अगर हम लोग जो भी जरूरत पड़ेगी इसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ी कानून का जो भी सहारा मतलब जहाँ भी कानून के ये लड़ना पड़ेगा उसके लिए हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे। चूँकि ये सरकार जो है जाति नफरत की भावना से इसकी हत्या सुनियोजित हत्या की है, इसलिए हम लोग परिवार के साथ में हैं और जो भी जरूरत पड़ेगी उसके साथ खड़े रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं राघवेंद्र यादव। इसका फ़ोन आया था, क्या क्या बात हुई किससे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का फ़ोन आया था कल। उन्होंने बात करा, उन्होंने परिवार के लोगों से भी बात किया और घटना को जानने की वापस से जो है तह तक जाने की कोशिश करी। एक एक माइन्यूट चीज़ों पे वो नज़र रख रहे थे, सारे सवाल किए, पूछा उन्होंने और उन्होंने परिवार को ढांढस तो बताया कि उनके साथ न्याय मिलेगा और उनके साथ अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे इसको और अंत तक इसको जो है जस्टिस उनको दिला कर रहेंगे। हर हाल की जानकारी ली अखिलेश यादव ने। उन्होंने पूछा कि जैसे कि गोली पास से लगी, दूर से लगी, कैसे लगी, वो घटनास्थल पर था कि कहाँ था वो लड़का, कहाँ नहीं था, तो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको अवगत कराया गया। लोगों ने यहाँ पे अवगत कराया। परिवार के तीन सदस्य से बात हुई, उनके जो है बहन से बात हुई थी और उनके जो है कजिन से बात हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय यादव।